السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد وأن محمد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرزها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين وقال عز وجل فمن زهزه عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه يقول: شهدت من رسول الله مجلسا وسفى فيه الجنة حتى انتهى ثم قال في آخر حَدِيثِ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت

बहुत सारा फजल फरमाया है सबसे बड़ा उसका इनाम हमारे ऊपर ये है कि उसने हमें इंसान बनाया उससे बड़ा फजल एहसान उसका हमारे ऊपर ये है कि उसने हमको इस्लाम से नवाज़ा मुसलमान बनाया और उससे बड़ी फजीलत और उससे बड़ा इनाम एहसान रब्बुल आलमीन का ये है कि उसने हम सबको उम्मत मोहम्मदिया में शामिल फ़रमाया अल्लाह अल्लाबालमीन के इन नहसान का इन इनात का हम शक्रिया बजा लाना चाहें तो ज़िंदगी भर उसका शुक्रगुजार बन करके ज़िंदगी गुजारें तो नहीं अदा कर सकते अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमको भेजने के बाद दो रास्ते बताए इन्ना हद हवीला इम्मा शाह व इम्मा कफूरा हमने इंसान को दो रास्ते बता दिए दो रास्ते दिखा दिए अल्लाह आलमीन ने हज़रत आदम सलाम से लेकर ख़ातिमबी ईद हज़रत अलैहि वसल्लम तक जितने अम्बिया और रसूल इस दुनिया में अल्लाह आलमीन की तरफ़ से मबूस फरमाए गए सब के ज़रिए से दो रास्ते मुतिन किए गए एक रास्ता शुक्रगुजारी का है जिसे आप जन्नत का रास्ता कह लें दूसरा रास्ता ना शुक्री का है जिसे आप जहन्नम का रास्ता कह लें अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार बंदे बन करके अगर इंसान रहेंगे तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत का रास्ता बताएगा सिखाएगा बताएगा जन्नत में दाखिल फ़रमाएगा और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों की नाशुक्री करेंगे नाशुक्री करते हुए इस दुनिया से जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको सीधा जहन्नम का रास्ता दिखाएगा जहन्नम में डाल देगा तो ये दो रास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबियों के ज़रिए से हमको बताए हैं इन्हीं दो रास्तों की तयन करने के लिए अम्बिया और रसूल तशरीफ़ लाए और अपनी अपनी उम्मतों को अपने अपने वक्त पर उस बुरे रास्ते से या कुफ्र के रास्ते से बचाने की अनथक कोशिशें की खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों की फलाह व बहबूद के लिए उनको जहन्नम से बचाने के लिए जहन्नम के रास्ते से उनको फेरने के लिए बहुत सारी तकलीफें उठाई यहाँ तक कि अल्लाह के नबी वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें जहन्नम से उसी तरह से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ कर खींच रहा हूँ जहन्नम के दहाने से जिस तरह से कोई आदमी चराग जलाए और उस पर परवाने पतंगे अपनी जान देने के लिए कुर्बान हो जाएँ और लोग उन पतंगों को उन परवानों को उससे आग से हटाने की कोशिश करें बिल्कुल वही मामला तुम्हारा है कि मैं तुम्हारी कमर को पकड़ पकड़ कर जहन्नम से दूर करना चाहता हूं लेकिन तुम हो कि आखिरकार उसी आग में जाना चाहते हो ऐसे आमाल करते हो कि जिसकी बिना पर अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नम में डाल दे या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र अपनी उम्मत के ताल्लुक़ से हमेशा रही कि आप फिक्रमंद रहा करते थे कि लोग मेरी बताई हुई शरीयत को अपना लें मेरे बताए हुए रास्ते पर चलें मेरी हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें यही उनके फ़लाहु बहबूद का ज़रिया है इसके खिलाफ अगर वो ज़िंदगी गुजारेंगे तो जाहिर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब के शिकार हो जाएंगे तो बहरहाल ये आज के इस दर्श का जो मौजू मत किया गया है वो ये है कि जन्नत में ले जाने वाले आमाल क्या हैं थोड़ा सा तारुफ़ क़ुर मजीद की रोशनी में कुरानी मजीद की उन उननायात की रोशनी में जो सूर्य आल इमरान की आयत तीन आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी हैं आयत नंबर एक सौ तैंतीस चौंतीस और पैंतीस अल्लाह रबालमिन ने हल्का सा मुख्तसर सा अपनी जन्नत का तारुफ़ हमारे सामने पेश किया है वैसे क़ुर मजीद में तो बहुत सारी जगहों पर अगर आप तिलावत करेंगे तर्जुमे के साथ कुरान मजीद पढ़ेंगे भले ना आलिम हो बहुत ज़्यादा आलिम फाजिल की इसमें ज़रूरत नहीं इसलिए कि क़र मजीद को अल्लाह रबालम ने उसके मतलब इर्शाद फरमाया वालस्दराज़िकल में मुद्कर इस आयत के तल्लु सेलमा लिखते हैं मुफसरिन लिखते हैं कि इस क़र करीम से जिस तरह से एक बहुत बड़ा आलिम फाजिल हदायत पा सकता है इसी तरह से पहाड़ों पर रहने वाला और बकरियाँ चराने वाला और इसी तरह से खेती बाड़ी करने वाला क़र मजीद की बहुत सी आयात को सुनकर पढ़ कर हिदायत पा सकता है ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत बड़े इल्म की ज़रूरत है जैसा कि आज कहा जाता है लोग ये कहते हैं कि क़ुर मजीद सब के पढ़ने की सबके समझने की बात नहीं है बस वही लोग समझ पाएंगे जिनके पास बड़ी बड़ी असनाद हो जो जामियात और कुलियात के पढ़े हुए लोग हो वही कुरान मजीद को समझ सकते हैं नहीं ऐसी है, बात नहीं है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान को इतना आसान बना दिया है इतना आसान कर दिया है कि जिस तरह से एक बड़ा आदमी आलिम आलिमा फहामा और इसी तरह से बड़े बड़े लोग उसको समझ सकते हैं इसी तरह से एक मामूली सा आदमी उसको समझ सकता है समंदर में रहने वाला और कश्तियों की बादबानी करने वाला जिस तरह से समंदर की तहों को देख कर और समंदर की मौजों को देख कर अल्लाह आलमीन की वहदानियत को पहचान लेता है समझ जाता है कि इस कश्ती को पार लगाने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है इसी तरह से कुरान मजीद की तिलावत करने वाला उसका समझने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत को पहचान सकता है तो बहरहाल यह कुरान का एजाज है कुरान की बलागत है कि सब की समझ में बात आती है कि कुरान क्या, क्या कहना चाहता है और वो कौन सा मकसद है जिसको हमारे सामने कुरान पेश करना चाहता है तो उसी कुरान की कुछ आयात मैंने आपके सामने तिलावत की है मौजू के लिहाज से अल्लाह रब्बुल आलमीन इरसाद फरमा रहा है वह सारी रू अला मगफिरत रब ए लोगो अपने रब के मगफिरत की तरफ अपने रब की बख्शिश की तरफ दौड़ लगाओ दौड़ो जिस तरह से दुनिया के मामले में तुम्हारी दौड़ होती है जिस तरह से दुनिया के हसूल के लिए तुम तो मुख्तलिफ़ की परेशानियाँ झेलते हो सफ़र पर सफ़र करते हो यहाँ से वहाँ जाते हो दिन भर मेहनत मशक्क़त करते हो तो इस जन्नत के हसूल के लिए अपने रब की रहमत के हसूल के लिए तुम्हारी कोशिशें होनी चाहिए तोअल्ला रबमी ने एरशाफ़रया व सारी अविल मफ़रत मब लोगों दौड़ लगाओ दौड़ो सबकत करो एक दूसरे से अपने रब की मफ़रत की तरफ बख्शिश की तरफ वह जन्नतिन अर्जुस समावल अर्स और ऐसी जन्नत की तरफ चलो ऐसी जन्नत के हसूल की कोशिश करो जिसकी लग चौड़ाई ज़मीन व आसमान के बराबर है ऐसा न समझा जाए कि अल्लाह रबुलमिन ने ज़मीन व आसमान के बराबर जन्नत की चौड़ाई बता दी ये कोई हद है नहीं बल्कि बताना मकसूद ये है कि ये लामहदूद है जन्नत अल्लाह रबुलमिन कितनी बड़ी जन्नत को अपने बंदों के लिए तैयार कर रखा है एक मामूली सा आदमी जो जन्नत में जाएगा उसको जो जगह मिलेगी वो ताद नज़र जन्नत का मुशाह करेगा सबसे आखिर में जाने वाला जन्नती जब अल्लाह रब्लमी की इस जन्नत में जाएगा तो अल्लाह रब्लम उससे इरशाद फरमाएगा देखो तुम अपनी नज़र उठाओ जहाँ तक तुम्हारी नज़र जाएगी वहाँ तक तुम्हारी जन्नत का हिस्सा है और इसके डबल तिबल तुम्हारे लिए मैं दूँगा तो ये जन्नत का हदूद अरबा नहीं बताया गया बल्कि एक हयत बताई गई है और अल्लाह रबालमी ने एक तरीक़ा बताया है जन्नत की तरफ दौड़ने का कि उसकी अरज़ उसकी चौड़ाई ज़मीन व आसमान के बराबर है वोत लिलम ये जन्नत अल्लाह ताला ने मतियों के लिए तैयार की है अब सवाल ये है कि मुत्तकी कौन है परहेजगार कौन है तकवा शार कौन है ये तकवा है क्या चीज़ बड़ी लंबी बहस है इस पर बहरहाल मुख्तसर तौर पर मैं आपके सामने इस आयत के अगले हिस्से को पढ़ता हूँ कि मुत्तकियों की मुत्तकियों की आलामत अल्लाह रबुलामिन ने क्या बयान की है इर्शाद फरमायाल्बुल ने व्रलकाफ़ी नस इन मतकीियों की सफ़त यह है मतकीियों की शनाख्त यह है मतकीियों की पहचान और आलामत यह है जो लोग खुशी और गम में अपने माल को ख़र्च करते रहते हैं या तंगी में भी और जब वसात आदमी के पास होती है माल की तब भी तंगी में वसात में खुशी में गमी में हर मौके पर अल्लाह हरबुली के रास्ते में अपने माल को ख़र्च करते रहते हैं और इसी तरह से वलका ज़मीन अलइस जब किसी बात पर उन्हें गुस्सा आता है मुखालिफ आदमी जिस पर आदमी बरहम होता है गुस्सा होता है वो कमज़ोर है लेकिन इसके बावजूद आदमी इंतकाम ले सकता है उससे अपना बदला ले सकता है गुस्से की हालत में अपना गुस्सा उस पर निकाल सकता है जैसा कि आज इंसानों के मुतल सुना जाता है मामूली सी मामूली सी बात पर झगड़ा हो गया और जो मज़बूत किस्म का आदमी था ताकतवर था उसने ग़रीब आदमी को या जो लाचारो बेबस था उसको मार पीट करके किसी काम पर लगा दिया चाहे तो उसको कत्ल कर दिया या जख्मी कर दिया हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया ये सारी चीज़ें आज सुनने में आती हैं तो बहर रबालमी ने इरशाद फरमाया कि मुत्तकी वो है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है वसात है तब भी ताकत है तब भी और अगर कमी है किसी चीज़ की तंगी है रोज़ी में कुशादगी नहीं है फिर भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करता रहता है ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने दिया है बहुत ज़्यादा माल तो उसमें से वो देता रहता है बल्कि फ़राखी कल्ब का और फ़राखी का और इसी तरह से अल्ला रबुमी के रास्ते में खर्च करने का इतना बड़ा जज्बा है जैसे साहब कराम रजी अल्लाह तजमयीन के मुतालिक आता है कि रात रात भर पानी भर भर कर खेतों को सैराब करते थे मेहनत करते थे और सुबह जो कुछ उनको हासिल होता था उस रात की मेहनत से अल्लाह के नबी वसम की खिदमत में ला सदक़े के तौर पर पेश कर दिया करते थे ये जज्बा था उनके अंदर ये सारो क़ुरबानी थी इसी अल्लाह रबालमी ने उनको बतौर मिसाल पेश फरमाया दुनिया वालों के सामने और कहा अगर मोमिनों का लोगों का ईमान उनके ईमान जैसा होगा तो समझ जाइए को हिदायत याफ्ता है उनके ईमान को मेयार करार दिया हमारी जिंदगियों के लिए और हमारे ईमान के लिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि मुतकी वो है जो खुशी में भी गमी में भी वसात में भी और तंगी में भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं वलका जमीन अलग और अपने गुस्से को जब्त करने वाले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तवाना आदमी और पहलवान आदमी वो नहीं है जो किसी आदमी को पकड़ कर अखाड़े में पिछाड़ दे बल्कि सबसे बड़ा ताकतवर आदमी वो है जो अपने गुस्से को पी जाए अपने गु़स्से पर कंट्रोल कर ले आज बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं हमारे समाज और माशरे में जो गुस्से को से बेताब हो जाते हैं गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाते और कहते हैं कि मेरी ये फितरत बनी हुई है नहीं इस फितरत को आदमी को दबाना चाहिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे मौक़े पर ऐसे लोगों की तारीफ़ बयान की है उन्हें जन्नत की बशारत भी दी है जो अपने गुस्से को पी जाते हैं अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतकीय की अलामत बताई कि वलका जमीन अगैज़ अपने गुस्से को पी जाने वाले हैं वल आफीन आनास और लोगों से दरगुजर करने वाले हैं किसी से गलती हो गई किसी से ख़ता हो गई किसी से मामूली सी लफ्जिश हो गई यहाँ मुंबई में अक्सर लोग तजारत पेशा आए और ताजिर हैं माशाल्लाह बड़े बड़े ताजिर हैं छोटे ताजिर हैं उनके मातहत बहुत सारे लोग काम करते हैं उन मातहतों से अगर कोई गलती हो गई कोई लज्जिश हो गई कोई ख़ता हो गई तो एक बिजनेसमैन का ये माइंड होना चाहिए उसको ये करना चाहिए अपने मातातों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए और अल्लाह आलमीन ने जो मुत्तकियों की शनाख्त और अलामत बताई है कि व लाआिर आिननास लोगों से दरगुजर करने वाले होते हैं ये बेचारे जो पसीना बहाते हैं आपका काम करते हैं आपके लिए मेहनत मजदूरी करते हैं आपके माल को हिफाजत से आप तक पहुंचाते हैं और आप उसको अच्छी कीमत में फरोख्त करके उनके हाथों से तैयारशुदा माल को मार्केट में सप्लाई करते हैं अगर किसी बात पर मामूली सी बात पर उनसे चूक हो गई तो आप इतना ज़्यादा बरहम हो जाए कि पिटाई पर उतर आएँ उसकी सैलरी काट दे उसको घर वहाँ से निकाल दिया जाए उसके पीछे जो उसके घर वाले हैं अभी उम्मीद बधाए हुए हैं कि सब महीना गुजरेगा हमारे घर में राशन आएगा कुछ रकम आएगी और हमको दवा इलाज का पैसा मिल जाएगा आपने अचानक उसके साथ इस तरह का मामला कर दिया तो जाहिर है कि इसके पीछे जो पूरी फैमिली है डिस्टर्ब हो जाती है इसलिए हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि हमारे माता जो हैं उनके पीछे बहुत सारी ज़रूरिया हैं बहुत सारे हाजात हैं अगर हमने सख्ती के साथ उनसे बाज कर लिया उनकी मामूली सी गलती और मामूली सी लफ्जिश पर तो उनका हाल क्या होगा बहरान अल्लाह बारा रहो की पहचान बताई अनिल नास लोगों से दरगुजर करने वाले होते हैं अल्लाह वहसरी नेकोकारों को पसंद करता है जो लोग नेकी का काम करते हैं भलाई का काम करते हैं का का है, अल्लाह ऐसे ही लोगों को पसंद फरमाता है फ़अलू फ़ाहिशा मो उनकी पहचान ये है मुतकी की पहचान ये है आलामत ये है कि जब उनसे कोई जाने अनजाने में फोहश काम हो जाता है कोई गलती हो जाती है बड़ी ग़लती हो गई और ज़लम व अरफो हम या कोई बहुत बड़ी ख़ता कर ली अपने आप से फ़ौरन अल्लाह को याद करते हैं फ़ौर अल्लाह याद आता है फ़स्तग फ़र उल जोनोबेम वह अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करते हैं इसीलिए हदीस में आता है कि सबसे बड़ा बेहतरीन खताकार वो है ग़लती करने वाला वो है जो ग़लती करके फौरन अल्लाह आलमीन से ताइब हो जाए अल्लाह ताला से तौबा कर ले वो आदमी जो ग़लती करके उस पर इसरार करता है मुशिर रहता है तोबा नहीं करता अल्लाह आलमीन के यहाँ वो पसंदीदा हरगिज़ हरगिज़ नहीं हो सकता तो अल्लाह ताला ने मुतियों के परहेजगारों की पहचान बताई फस्तग फ़र अपने गुनाहों की वो मफ़रत तलब करते हैं अल्लाह हरबुलमी से याकीदा रखते हुए वमाई यक फेरु ज़ोनो बाईल की अल्लाह के सेवा कौन है जो उनकी फ़रियाद रसी करेगा अल्लाह के सेवा कौन है जिनके गुनाहों को माफ़ करेगा अल्लाह के सिवा कौन है जो उनकी मफ फरमाएगा जान बुझ कर वो अपने किए हुए पर इसरार नहीं करते नहीं रहते बल्कि शर्मिंदा होते हैं और उस शर्मिंदगी के आलम में अल्लाह हरबुल से लौ लगाते हैं अल्लाह हरबुल के दरबार में भागते हुए आते हैं और अल्लाह तौबा करते हैं तनहाई में उठते हैं अपने बिसरों से अलग हो जाते हैं अल्लाह हरबाल से रोते रहते हैं गड़गिड़ाते रहते हैं और अल्लाह रबालमी से रजा और उम्मीद बांधे हुए अल्लाह ताली के रूबरू खड़े होते हैं और अखरार करते हैं कि अला हरबुआलमी यह गलती मुझसे हो गई अल्लाह ऐसे बंदों को पसंद फरमाता है अपने बंदों की गलतियों को माफ़ कर देता है उसके बाद अल्लाह रबालमिन ने इन, इन सिफात का तस्करा फरमाने के बाद इरशाद फरमाया उजा तुम रब यही वो लोग हैं जिनकी जजा जिनकी जिनका बदला अल्लाह रबालमिन की तरफ से मगफरत है बख्शिश है वह जन्नातिन तजरीहार और जन्नात हैं जन्नत ही नहीं सिर्फ जन्नत है बहुत सारे बागात हैं अल्लाह रबालमीन के पास जिनके नीचे नहरें जारी हैं खालिदीन हफ़ी व नजर आमिन जिसमें वो हमेशा हमेश रहेंगे अल्लाह रबालमीन के नज़दीक के काम अच्छा करने वालों के लिए क्या ही अच्छा बदला है तो भाई बुज़ुर्गों यहाँ आप देखें कि अल्लाह रब्मिन ने मुतकीयों की सिफात बयान फ़रमाने के बाद उनकी जजा जो बताई उनका बदला जो बताया और उनका ठिकाना जो बताया वो जन्नत बताया बल्कि जन्नत बताया इसी जन्नत के हसूल के लिए हर आदमी कोशिश में लगा हुआ हो छोटा है बड़ा है अमीर है गरीब है सब लोग ये चाहते हैं कि काश हमारी आखिरत की ज़िंदगी समर जाए बन जाए अल्लाह रब्लम हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और माफ़ करने के बाद ला रबालमिन हमें अपनी जन्नत में दाखिल कर दे इसीलिए अल्लाह

अल्लाह तुझसे भीख मांगता हूँ कि तू मुझे जन्नत में दाखिल जितने अम्बिया और उसू इस दुनिया में तशरीफ़ लाए सब की दुआओं का यह हिस्सा हुआ करता था वो दुआ मांगते थे कि अल्लाह रबालमीन तू हमें जन्नत में दाखिल फरमा नेक और साल बंदों में दाखिल फ़रमा हमारा हश्र हशालन के साथ फरमाए बंदों की अच्छे बंदों की दुआएँ होती हैं हमारी और आप की भी दुआ यही होनी चाहिए कि अल्लाह रबालमीन से हम दुआ मांगें दुआ करें कि अल्लाह रबुलम हमको जन्नत में दाखिल फरमाए अपने साल बंदों के साथ हमारा हश्र फरमाए तो अल्लाह रबूमी ने इरशाद फरमाया कि जो लोग काम करने वाले हैं नेक बंदे हैं अल्लाह के और अल्लाह के लिए अब कोशिशें जारी रखते हैं अल्लाह रबुआ उनकी कोशिशों को कबूल करता है दूसरी जगह अल्लाह रबुआमी ने इरशाद फरमाया फमनजुजा अनार व खिलजन्नत फ़कद फाश जो आदमी जहन्नम से दूर कर दिया गया हटा दिया गया और जन्नत में उसका दाखिला हो गया फ़त फ़ाजा तो गोया कि वो कामयाब हो गया सबसे बड़ा कामयाब इंसान आज हमारे नज़दीक जो दुनिया में मौजूद हैं हम ये सोचते हैं समझते हैं इसके पास बड़ी ऊंची-ऊंची डिग्रियां डिग्रियाँ इसके पास बड़े बड़े तजारती कारखाने हैं गोडाउन है, है फ़ला है फला है ये कार के बजाय दो दो तीन तीन कारें हैं चलती हैं और ये बहुत बड़ा आदमी तस्वूर किया जाता है लेकिन अल्लाहबालमिन के नज़दीक कुछ और मामला है कुछ और मामला है कि कामयाबी की और सबसे बड़ी जमानत जो अल्लाह रबालमीन ने दी है वो सबसे बड़ी कामयाबी आखिरत की कामयाबी है अल्लाह रबालमी ने इस फरमाया फरया फ़ोमन जुह जी आने नार व खिलजन्न जो शख्स जहन्नम से दूर कर दिया गया जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब हो गया सबसे बड़ी कामयाबी यही है इसलिए जब आप अट्ठारहवें पारा खोलेंगे सूर्य ममिन की इब्तदा करेंगे तो आप देखेंगे कि अल्लाह आलमीन ने इरशाद फरमाया कद अफल हलमोमिन मोमिन कामयाब हो गए यह ज़मानत है मोमिनों की कामयाबी की और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों की बहुत सारी सिफात का तस्करा फरमाते हुए आखिर में इरशाद फरमाया कि यही लोग हैं ऐसे सिफात के हामिलिन लोग हैं अल्दीन ए फिरदौस जो लोग फिरदौस के मालिक हो गए इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम जन्नत का सवाल करो ऐ मेरी उम्मत के लोगों जब जन्नत अल्लाह ताला से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगा करो जन्नतुल फिर दोस्त मांगो ये सबसे बेहतरीन और आला तबका है जन्नत का इसलिए अल्लाह आलमीन से ये दुआ मांगनी चाहिए तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो भी शख्स जहन्नम से दूर कर दिया गया जन्नत में दाखिल हो गया जन्नत में अल्लाह आलमीन ने उसको जगह दी तो वो कामयाब हो गया अब आइए उस असल मौजू की तरफ है तो जन्नत का मुख्तसर सा तारफ़ था कि अल्लाह आलमीन ने जन्नत में जाने के लिए किन किन लोगों को मुंतब फ़रमाया है मुी वो हैं जो अल्लाह रबालमी से डर करके दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हैं और मतियों की ये ये सफ़ात हैं जो मुख्तर तौर पर इन आयात में जिक्र की गई हैं अहादीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु सल वसम ने जन्नत में जाने के बहुत सारे तरीक़े बताए हैं जाहिर है कि छोटी सी मजलिस में छोटे से दरस में और इतने वक्त में उन सारी चीज़ों को समेटा नहीं जा सकता कुछ बातें मैं आपके सामने पेश करूंगा और जैसा कि इश्तहार में मैंने देखा कि सी का भी ख़ातिन का भी इंतज़ाम है उनसे मतलब भी कुछ बातें सामने आएंगी सबसे पहले हमें देखना है कि वो कौन से अमाल हैं जो हमें जन्नत की तरफ ले जाएंगे जन्नत में जाने का सबसे आसान तरीक़ा क्या हो सकता है अल्लाह के नबी वसल्लम ने बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने बयान फरमाई उनमें से चंद बातें मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ पहली बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु व ने इशाद फरमाया कि जो शख्स असर की नमाज़ और फ़जर की नमाज़ जमात के साथ अदा करता है तो अल्लाह हरबुलमिन उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा छोटी सी बात है आप नमाजी हैं माशाल्लाह पंज वक्ता नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन पंज वक्ता नमाजी होने के बावजूद अक्सरियत लोगों की ऐसी है कि जो टाइम का वक्त का का वक्त की पाबंदी नहीं करते वक्त बेवक्त हो जाता है उसकी परवाह नहीं करते अल्लाह के रबी वसल्लम ने ज़मानत दी है बताया है कि जो शख्स पाबंदी या यावत के साथ असर और फ़जर की नमाज़ पढ़ता है उसके लिए बशारत क्या है उसके लिए खुशखबरी क्या है हज़रत अबू बकर्र बिन अबी मूसा मूसरी रज़ी अल्लाह तब बाप से रिवायत करते हुए कहते हैं इन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मनसल बरदीनी दखल जन्नत सही मुस्लिम की रिवायत है ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया जो शख्स दो ठंडी नमाजों को पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल फ़रमाएगा दो ठंडी से मुराद अक्सर मुहदसर मुफसरण ने बताया है कि यह असर और फ़जर की नमाज़ है फ़जर और असर की नमाज़ को जो शख्स पाबंदी याक़ात के साथ अदा करेगा बड़ा आसान सा रास्ता है जन्नत तक पहुंचने के लिए अल्लाह के वसल्लम इरशाद फरमाते हैं दखल अल जन्ना वो शख्स जन्नत में जाएगा ये सही मुस्लिम की रिवायत है दूसरी चीज़ अजान का जवाब देना जिससे अक्सर लोग गफलत बरतते हैं आजाद होती रहती है हम गपशप में मसरूफ़ रहते हैं अपने बिजनेस में मसरूफ़ हैं दो आदमी खड़े हो गए रास्ते पर अजान हो रही चलो अभी आजान हो रही बाद में चलते हैं मस्जिद में अजान हो रही है तोफीक नहीं होती कि अज़ान का जवाब दिया जाए कितनी बड़ी अहमियत है इसकी कितनी बड़ी फजीलत है और जन्नत में जाने का एक सबक ये भी है अल्लाह के नबी सला का अरशाद हजरत वजी अल्ल्तरावी है बयान करते हैं कलकुनम रसूल सल्हुस बेलानी हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में थे हजरत बिलाल खड़े हुए नमाज़ का वक्त हुआ और वो अजान देने लगे जब अज़ान देकर खामोश हुए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन कसल हाद य दखल जन्ना रवासई सही नसई की रिवायत है ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स उन कलेमात को वैसे ही अदा करें जैसे मुअज्जिन ने कहा है जैसे मुआजिन अदा करता है अजान की कलेमात को अजान देते वक्त तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स अजान की आवाज़ सुने और मुआजिन के कलेमात के पीछे पीछे उन कलेमात को जवाबन कहता जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दाखिल अल जन्ना यकीन के साथ अल्लाह रबालमीन से आजर सवाब का यकीन रखते हुए अगर वो ऐसा करता है तो अल्लाह हरबालमी उसको जन्नत में दाखिल फ़रमाएगा ये दूसरा अमल है जन्नत में जाने का जन्नत तक पहुँचने के लिए तीसरा रास्ता सुनिए अल्लाह के नबी वम ने इर्शाद फरमाया कि जो शख्स हर फर्ज़ नमाज के बाद कुर्सी पढ़ता है बड़ी आसान सी आयत है आयतुलकरसी मेरा ख्याल है अक्सर वेशतर लोग पढ़ते भी हैं अलहद हमारी मसाजिद में तो बायदा जो दुआएं हैं मसनून और अजकार हैं उन अजकार में ये भी शामिल है उससे अक्सर व बेशतर आप मसाजिद में देखेंगे जैसे अवाम साहब सलाम फिरते हैं एक आध लम्हे इंतज़ार भी नहीं करते दोनों हाथ उठा देते हैं और अल्लाह मन सामक सलाम पता नहीं क्या क्या दुआएँ पढ़ना शुरू कर दें पीछे लोग आमीन 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 कह के चेहरे पर फेरा हाथ और उसके बाद नमाज़ ख़त्म नमाज़ ख़त्म हुए लोग अपनी सुन्नतों में मसरूफ़ हो गए लेकिन अलहमदिल्ल ये हदीस मसाजिद और अल हदीसों के यहाँ यह चीज़ है कि नबी अ करम सल्हसम की सुन्नत को पाबंदी के साथ व अदा करते हैं अल्लाह के नबी वम ने हर फर्ज नमाज के बाद जो जजकार मुख्तसर तौर पर सिखाए और बताए हैं उन अजकार में आयतुल कुर्सी भी शामिल है तो अल्लाह के नबी वसल्लम ने यह जन्नत तक जाने का और जन्नत में दाखिले का एक सब यह भी बताया है इस शाद फरमाया अ के नबी वसल्लम ने कि जो भी शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा अल्लाह ताली उसे जन्नत में दाखिल फ़रमाएगा हजरतब अबू अमामा रजी अल्लावी है बयान करते हैं मन क़रा आयतल कुर्सी दुबरा कुल्लनाती मकतूब जो भी शख्स आयतल कुर्सी को हर फर्ज नमाज के बाद फ़र्ज नमाज के बाद सुन्नत के बाद की बात नहीं है फ़राइ के बाद जो आदमी आयतल कुर्सी पढ़ता है तो अल्लाह के नबी वसल् इशाद फ़रमाते हैं लमयम नाअमिन दो खूल जन्ना वो सिर्फ उसके दरमियान और जन्नत के दरमियान उसकी मौत फासला बनी हुई जैसे वो इंतकाल करेगा इस दुनिया से जाएगा अल्लाह आलमीन उसको जन्नत में दाखिल फ़रमाएगा तो मालूम यह हुआ कि फ़राइज अदा करने के बाद आदमी को अपने मुसल्ले पर इतनी देर बैठना चाहिए जो अस्कार अल्लाह के नबी वसल्लम ने बताए और सिखाए उन असकार को मुकम्मल तौर पर पढ़े इतना टाइम रखें अपने पास कि उन असकार को पढ़ करके जाया करें उसके बाद सुन्नत पढ़े या घर पर जा करके सुनत अदा करें तो अल्लाह के नबी वसल्लम ने इर्शाद फरमाया कि जन्नत में दाखिले का जन्नत में जाने का एक तरीका यह भी है कि आदमी हर फर्ज नमाज के बाद आयतुलकरसी पढ़ा करे चौथा रास्ता और बड़ा ही अहम रास्ता है ये और बड़ी अच्छी चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने बताई है अगर आदमी इस दुआ को याद रखता है तो उसकी फजीलत सुनिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सुबह शाम सैयदुल इसतफार पढ़ता है बहुत कम लोगों को ये दुआ याद होगी या ये इस अफ़कार का तरीक़ा याद होगा हालांकि याद होना चाहिए बड़ी मशहूर रिवायत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और बुखारी मुस्लिम बुखारी की रिवायत है ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया शद्दाद बिन औस साहबी रसूल है बयान करते हैं कला कल रसूल सल्ह वसम सैदुलस्सतफ़ार सैदल्सार की फजीलत यह है ममन कल हमिन नहारीहा फ़मातमिन योम ही कबलामसिया फ़ह अमिन अहल जन्ना जो शख्स सैदुलफ़ार को सैदुलफ़ार आब दुआओं की किताबों में जो दुआएँ छोटी छोटी दुआओं की किताबें मिलती हैं ख़ास तौर पर बहुत सारे भाइयों के पास हसनमसलिम रहती है या इस तरह दीगर किताबें जो अरबी ज़ुबान में उर्दू ज़ुबान में इंग्लिश में दुआओं की मिलती हैं उसमें सैदुल इस्तफ़ार आपको मिलेगा उसको आप याद कर लें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी फजीलत बयान फ़रमाईम्माबीला ख़लक तीवान आब्दुकावान अद का आखिर तक पढ़िए इसको तो अल्लाह के नबी वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो भी शख्स दिन के वक्त दिन के शुरू हिस्से में अल्लाह आलमीन पर यकीन कामिल लगते हुए इस दुआ को पढ़ता है फ़मातमिन योमी ही कबलामसिया शाम होने से पहले पहले शाम होने से पहले पहले अगर उस दिन उसकी वफात हो गई तो अल्लाह अलैहि वसल्लम इरशाद फ़रमाते हैं फ़ मिन अहलिल जन्ना वो शख्स जन्नती लोगों में से है ऐसा शख्स जन्नत में दाखिल होगा इसी तरह जो शख्स शाम को मगरिब के बाद इस दुआ को पढ़ लेता है रात के किसी हिस्से में पढ़ लेता है वह हुआ मोहनुम बिहा और इस दुआ पर उसको मुकम्मल यकीन है अल्लाह रब्बुल आलमीन से अजर आज सवाब का फाम कबलूस बफह हुआ में नाह जन्नत सुबह होने से पहले पहले रात के वक्त किसी भी वक्त उसका इंतकाल हो गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वह अहले जन्नत में से वह जन्नती आदमी है सुबह को पढ़े शाम से पहले दुनिया से चला गया तब भी जन्नती शाम को पढ़े रात में पढ़े और सुबह होने से पहले पहले इंतकाल हो गया तो अल्लाह के नबी वसल्लम उसे जन्नत की ज़मानत देते हैं कि वह हुआ मिनाहल जन्ना ऐसा शख्स जन्नती है दो मालूम यह हुआ कि सुबह शाम इस्तिग़फार भी पढ़ना चाहिए सुबह फ़जर के बाद कुछ देर आप बैठे घर में रहें मस्जिद में रहें कहीं भी इस दुआ को पढ़ते रहें या इसी तरह से शाम के वक्त मगरिब से लेकर ऐशा तक याशाक के बाद इस दुआ को भी पढ़ सकते हैं रात के किसी हिस्से में पढ़ लें सुबह होने से पहले पहले अगर आप अल्लाह आपबुलाम के यहाँ आप प्यारे हो गए तो अल्लाह ताली आपको जन्नत में दाखिल फरमाएगा ये चौथा रास्ता है जो जन्नत तक जाता है पाँचवा रास्ता हजरत उमर बिलख़ रजी अल्लाह तरावी हैं इस रिवायत के जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करे अच्छी तरह वज़ू करने के बाद कलम शहादत पढ़ ले बहुत छोटा सा कलमा है ये जिसको कलम शहादत अक्सर वेशतर छोटे बच्चे उसको याद करते हैं पहला कलमा अव्वल कलमा तो तैयब अव्वल कलमा तैयब और इसी तरह से दोम कलमा शहादत तो ये शहादत का कलमा जो है तो अल्लाह के नबी वसल्लम के हवाले से बयान करते हैं बिन ख़त्ताब रजी अल्लाह कि सही मुस्लिम की रिवायत है अल्लाह के नबी वम ने इशाद फरमाया कि मा मिन कुम मिन आहदिन तुम में से जो शख्स यजा वज़ू करता है फ़ायस बल वज़ू वज़ू को सुन्नत के मुताबिक कामिल तौर पर करता है सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए बहुत सारे लोग नल पर बैठ जाते हैं गपशप करते रहते हैं अपने भाइयों से बात करते हैं और पानी गिरता रहता है ये पता नहीं चलता कि अल्लाह के नबी वसम की जो सुनत है हमें कुल्ली करने के लिए नाक में पानी डालने के लिए चेहरा धुलने के लिए हाथ धुलने के लिए तीन मर्तबे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर तीन मर्तबे से ज़्यादा आपने अपने हाथों को धुला या किसी भी आज को जिसको आपने तीन मरतबा धुलने के लिए कहा है या तीन मरतबा पानी इस्तेमाल किया जहाँ उसको आप चार मरतबा कर जाएँ तो ये सुन्नत के ख़िलाफ़ होगा फिर आपका वजू नाकिस हो जाएगा हाँ तीन के मुकाबले में अगर आप दो मरतबा धुल लें काफ़ी है एक मरतबा धुल लें तब भी सुन्नत अदा हो जाएगी लेकिन अगर आप ये कहें कि तीन से चार हो जाए तो फिर आपके वजू में खलल वाक़ नक्स वाक्य हो जाता है इसलिए आदमी को वजू करते हुए भी एहतियात करना चाहिए तो अल्लाह के नबी वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स तुम में से वजू करे और फ़ैस बे गुलू वज़ू सुनत के मुताबिक मुकम्मल तौर पर करे और फिर जब वज़ू से फ़ारिग हो जाए सकूल फिर उसके बाद कहे अरदुल्ल व अरदौ महम्मद अब्दू व रसूलू यह कलम शहादत अपनी ज़ुबान से पढ़ ले इसके बाद भी छोटी सी दुआ पढ़ी जाती हुई अल्लाजलिमनत बीन मत ताहरीन लेकिन इस हदीस में उसका तस्करा नहीं है बल्कि कलम शहादत का सिर्फ़ जिक्र है हज़रत हैज़रत अब्रबल रजी अल्लाह तब बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी वसल्लम ने इशाद फरमाया कि जो शख्स वज़ू कामिल करके ये दुआ पढ़ता है ये कलम शहादत पढ़ता है तो अल्लाह रबालमीन ऐसे शख्स को जन्नत के आठों दरवाज़े में से जिस दरवाजे से चाहे वो दाखिल हो जाए बताइए जन्नत के जो आठ दरवाज़े हैं ऐसे आदमी के लिए खोल दिए जाते हैं वो जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहे दाखिल हो सकता है तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में जाने का ये पाँचवा रास्ता बताया पाँचवा तरीक़ा बताया कि आदमी अगर ये काम कर ले तो वो जन्नत में जा सकता है इसी तरह से छठी चीज़ जो जन्नत तक पहुँचाने वाली है कसरत से सलाम करना कसरत से सलाम करना सलाम को फैलाना सलाम को आम करना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए एक आदमी आता है मजलिस कायम है साहबा बैठे हुए एक, एक आदमी आया उसने कहा अस्सलाम वालेकुम आपने फरमाया दस दूसरा आदमी दाखिल हुआ उसने कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह आपने इरशाद फरमाया बीस तीसरा आदमी दाखिल हुआ तो उसने कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू आपने इरशाद फरमाया तीस क्या मतलब हुआ आपने तशरीफ़ फरमाई कि अगर आदमी सिर्फ़ वालेकुम कहता है तो उसे दस नकियाँ मिलती हैं असलकम वरहल्ला कहेगा तो बीस नकियाँ मिलेंगी और अगर अल्लाम वरम व तो वो पूरा सलाम पहुँचाता है अपने भाई को और इसी तरह से भाई उसको मुकम्मल जवाब देता है तो अल्लाह हरबुलमी उसके नाम आमाल में तीस नकियाँ लिखता है तो जाहिर है कि एक छोटी सी बात है सलाम को आम करना है सलाम करना है इस सलाम करने में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अजर सवाब दे रखा है अजर सवाब लिखता है और लिखा जाता है हमारे लिए अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसमें भी इजाफे से बाज नहीं आते लोग अपनी तरफ़ से कुछ इजाफा कर डालते हैं और इजाफा करना आज एक मामूली सी चीज़ समझी जाती है और यह समझा जाता है कि इस तो बड़ा अजर का काम है बड़ा सवाब का काम है इसलिए ऐसा करना चाहिए मिसाल के तौर पर सलाम का जवाब दिया या सलाम किया तो उसमें कहा जाता है असलम वरह वबरकत हु रजवान हो मफफ़रत हो पता नहीं क्या, क्या क्या कहा जाता है जैसे आज अजान अजान होती है और अजान के बाद माइक पर जो उसका अजान के बाद की दुआ पढ़ी जाती है उसमें भी इसी तरह का इजाफा मौजूद है इसी तरह से बहुत सारी दुआएँ हैं जिसमें आज इजाफे को बाकायदा लिख करके पढ़ करके बताया जाता है और ये समझा जाता है समझाया जाता है लोगों को बावर कराया जाता है यकीन दिलाया जाता है कि यह भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान कतई नहीं है बल्कि लोगों ने अपनी तरफ से मिलावट किया है लोगों ने अपनी तरफ़ से उसको दाखिल किया है सही अदीस में या सही हदीस की किताबों में उसका कहीं सबूत नहीं मिलता इसी तरह से मिसाल के तौर पर जैसे मैंने सलाम के तालु से बताया कि इसमें जो इजाफे हैं व बरकातहू के बाद वो वो सरासर हदीस के खिलाफ है

अय लोगो अब सलाम व आतमतम वसलुबिल वन्ना सनीम तद खलजन्नत तबी सलाम रवा तिरमिजी तिर्मिजी जाम तिरमिजी तिर्मिजी की रिवायत है सही रिवायत है ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने सलाम रज़ी अल्लाह रज़ील् तरवी है बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ सलाम को फैलाओ सलाम को आम करो बड़े अफसोस के साथ अपने मुआरे पर आप नज़र डालिए तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से कतरा कर निकल जाता है सलाम का जवाब नहीं देता और अगर सलाम करता ही नहीं है और अगर सलाम का जवाब किसी ने किया तो ये देखा जाता है कि हमारे मसलक का है कि नहीं है मसलक की बुनियाद पर भी सलाम और सलाम का जवाब दिया जाता है हमारे मिजाज के मुआफ़ है कि नहीं है इस मिजाज को देख करके सलाम और सलाम का जवाब दिया जाता है ये सारी चीज़ें आज हमारे माशरे में हैं पाई जाती हैं तो अल्लाह के नबी वसल्लम ने इशात फरमाया सलाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ और मस्किनों को गरीबों को मोहताजों को खाना खिलाओ वसलबिल्ल वन सुनियाम और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ो क़्याम करो क़्याम करो आज अगर मुसलमानों में ये चीज़ आम हो जाए लोग रातों को उठ करके अपने नर्म गुदाज बिस्तर को छोड़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सरब सजूद हों बहुत सारे मसाइब बहुत सारी, सारी परेशानियां हल हो जाएं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है बहुत कम लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं हालांकि अल्लाह के नबी वसल्लम ने इशाद फरमाया कि रातों को उठ करके नमाज़ पढ़ो और लोग उस वक्त सोए रहें तुम नमाज में रहो अल्लाह ताला के सामने रो गिगड़ाओ तो क्या होगा तद खुलजन्नत अभी सलाम तुम जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे कोई चीज़ तुमको रोकने वाली नहीं है इसलिए अगर जन्नत में जाना चाहते हैं जन्नत का रास्ता पाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सलाम को आम करना है मशकिनों गरीबों मोहताजों को खाना खिलाना है और एक रास्ता और है कि तद की नमाज़ कयामल करना है तजुद की नमाज़ पढ़ना है सातवीं चीज़ मस्जिद बनाने वाला जन्नत में दाखिल होगा मस्जिद बनाने वाला बहुत सारी मस्जिदें आजकल कल अलहमदिल्ला बम्बई में भी और बेरून बम्बई बन रही हैं अल्लाह का घर तामीर हो रहा है अल्लाह के नबी वसल्लम की हदीस सुनिए हज़रत बिन बिरफ़ान रजी अल्लाह तबी हैं बयान करते हैं समय रसूल बना मस्जिद ला जिस शख्स ने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई बनू लहू बई तनफिल जन्न तो अल्लाह ताला उसी की तरह यानी जिस तरह से उसने अल्लाह के लिए घर बनाया है वही सी अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा ये सही मुस्लिम की रवायत है और आप याद रखें आपके सामने बात आई होगी आ, कई मौक़े पर आपने सुना भी होगा कि जन्नत में अगर एक कोड़ा भी रखने की जगह मिल जाए एक कोड़ा कोड़ा कितना मामूली होता कितना बारीक होता है कितना पतला होता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर जन्नत में आदमी को सिर्फ़ एक कोड़ा रखने की जगह मिल जाए तो दुनिया माफिया से बेहतर है इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिदायत हमें अता फ़रमाई हैं मस्जिद के बनाने के ताल्लुक से जो बातें आपने इरशाद फरमाई कि जो शख्स अल्लाह के लिए अल्लाह को राज़ी करने के लिए खुश करने के लिए मस्जिद का कोई हिस्सा तामीर करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए घर जन्नत में घर बनाता है सही मुस्लिम की रिवायत है ये तो रही वो बातें जो हम और आप तमाम लोगों से हजरात से और मर्दों से मुतल होती हैं कुछ चीज़ें दो तीन बातें खुवातन के तल्ल से भी हैं उनको अगर जन्नत में जाना और जाहिर है कि सबको जन्नत में जाना चाहिए और जन्नत के लिए अमल करना चाहिए सबकी ख्वाहिश भी होती है हम नमाज़ पढ़ते हैं रोज़ा रखते हैं सदक़ात है, करते हैं दौड़ भाग करते हैं अल्लाह को खुश करने के लिए बहुत सारी कोशिशें करते हैं तो हमारी ये सारी कोशिशें और हमारी तगो दौ हमारी भाग दौड़ इसलिए होती है ताकि अल्लाह रबुआमिन राज़ी हो जाए और हमें जन्नत अदा फ़रमाए तो औरतों के तल्क से अल्लाह के नबी सल व्ल् ने इशाद फरमाया जो औरत पंच वक्त नमाज़ पढ़ती है इसी तरह से अपने शौहर की एतात गुजार है तो अल्लाह ताला ने उसके लिए जन्नत की बशारत दी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फ़रमाया हज़रत है रजी अल्लाह तबी है बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया मरत खमसह जब कोई औरत पांच वक्त की नमाज़ पढ़े व सामत शहरा और महीने का रोज़ा रखे व हसनत फर्जहा और अपने शर्मगा की हिफाजत करे व अताअत जव और अपने शौहर की इतात करे नमाज पढ़ना शौहर की इतात करना ये बहुत बड़ा अहम मसला है एक तो नमाजों के मुतालिक हमारी माएँ और बहनें थोड़ा सा मसला होता है बच्चे की पैदाइश का मामला है या छोटा बच्चा है अक्सर पेशाब कर देता है या प... Uh, कपड़ा गंदा कर देता है या कुछ कर देता है तो बहुत सारे बहाने हमारी माएँ और बहनें ढूंढती रहती हैं कि हमको टाइम नहीं मिलता वक्त नहीं मिलता बच्चा परेशान करता रहता है हालांकि ये सारे जो एल वजूह बयान किए जाते हैं ये बिल्कुल अल्लाह ताला के यहाँ सुने नहीं जाएंगे बल्कि अगर आदमी के पास वक्त है तो उसे नमाज़ अदा करनी चाहिए नमाज किसी भी सूरत में माफ़ नहीं हो सकती अल्ला ही की खवातिन के साथ कोई मजबूरी हो शर मजबूरी हो तो अल्लाह के नबी वसल्लम ने एक तरफ जहां नमाजों की पाबंदी का हुक्म फरमाया वहीं एत जानी शौहर की एत के लिए भी हुक्म फरमाया बड़ा लंबा मौजू है कि शौहर की अतात आज और ख़वान किस तरह करती हैं और कितना उनके लिए ज़रूरी है शौहर की ज़िम्मेदारी बीवी के ताल्लुक से कितनी है इसी तरह से बीवी की ज़िम्मेदारी शौहर के ताल्लुक से कितनी है एक लंबी बहस है उसमें लेकिन इतना याद रखना चाहिए कि अल्लाह रबुलामी ने बहुत सारे हकूक़ दोनों के बयान फ़रमाए हैं अल्लाह के नबी वसम ने तो यहाँ तक औरतों के तल्लु से इरशाद फरमाया कि अगर मैं दुनिया में किसी के सामने झुकने का किसी के सामने सजदार रेज़ होने का हुक्म देता तो औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों के सामने सजदा करें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जमानत दी कि जो भी औरत पांच वक्त की नमाज पढ़े महीने भर का रोजा रखे अपने शर्मगा की हिफाजत करे अपने शौहर की इताअत करे फरमाबरदारी करे की जन्नत मिन अबाविलजन्नत सात तो उससे कहा जाएगा कल कयामत के दिन की जन्नत के जिस दरवाज़े से तुम चाहो जा दाखिल हो जाओ ये कितनी बड़ी फजीलत की बात है उस औरत के लिए उस खातून के लिए जो ये तीन चार काम कर डाले इस दुनिया में तो अल्लाह हरबिला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है अल्लावानी ने इस हदीस को अपनी किताब सही अलजाम में नक़ल फरमाया है दूसरी चीज़ दो नाबालिग बच्चों की वफात दो नाबालिग बच्चों की औफ़ात बच्चे पैदा हुए बड़ी अरमानों के साथ बड़ी तमन्नाओं के बाद और बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद दो साल तीन साल चार साल शादी किए हो गया बाप भी परेशान बीवी भी, भी, भी परेशान सबके सब, सब परेशान की क्या बात है हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं है औलाद पैदा हुई तमन्नाओं के बाद आर्जुओं के बाद दो चार साल जिंदा रही उसके बाद अभी शन बोलूक को नहीं पहुँचे कि इंतकाल कर गया दूसरा बच्चा आया दूसरा बच्चा भी अभी शिन्य बोलूक को नहीं पहुँचा इंतकाल कर गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी प्यारी हदीस इस तरह बयान फरमाई है कि जब फरिश्ते ऐसे वालिदैन के बच्चे को उसकी रूह को लेकर अल्ला के अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ पहुँचते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करता है पूछता है हालाँकि अल्ला अल्लाह ताला जानता है कि तूने मेरे बंदे के बच्चे की रूह को कब्ज़ कर लिया मौत कहते हैं हाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमने कब्ज़ किया तो अल्लाह रबुआमिन इर्शाद फरमाता है क्या तूने मेरे बंदे के जिगर के टुकड़े के रूह को कब्ज़ कर लिया तो फरिश्ते अर्ज करते हैं कि हाँ अल्लाह रब्लम हमने ऐसा किया है अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है हालांकि अल्लाह ताला जानता है खूब जानता है उसी के हुक्म से सब हुआ है लेकिन इस तरह की बातें अल्लाह तबारक तारा मलकुल मौत से मौत के फरिश्ते से सवाल व जवाब के तौर पर करता है तो अल्लाह रबुलामी सवाल करता है कि मेरे बंदे ने जब ये मामला आया तो मेरे बंदे ने क्या कहा मेरे बंदे ने उस मौके पर क्या कहा तो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे ने तेरी हमद बयान की वस्तर जा और पढ़ा लिल्लाहि व इही इलैहि जन बताइए कितना दर्दनाक मंज़र होता है उस मौके पर जबकि बड़ी तमन्नाओं के बाद बच्चा पैदा हुआ और बच्चा अभी नाबालिग है आँखों को सुरूर देता है वो घर के आंगन में चहलकदमियाँ करता है दौड़ता है भागता है माँ बाप के आँख का तारा है लेकिन अचानक मैला मौत आ गया फरिश्ता और रूह कब्ज़ कर लेगा जाहिर है कि माँ बाप के ऊपर एक पहाड़ बनकर गिर पड़ता है लेकिन जो मोमिन बंदे होते हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस फ़ैसले पर किस तरह राज़ी होते हैं और किस तरह सब्र करते हैं आलमीन इरशाद फरमाता है कि मेरे बंदे ने उस मौके पर क्या कहा जब तुमने उसके जिगर गोशे को उसके जिगर के टुकड़े की रूह को कब्ज़ किया तो वो फरिश्ते जवाब देते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरी हमद बयान की उसने और वस्तर जा और कहा व इला वाज ये जुमला कहा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि तुम गवाह हो जाओ तुम गवाह बन जाओ और इस बंदे के लिए जन्नत में एक घर बना दो और उसका नाम रखो बैतुलहमद उसका नाम क्या रखो बैतुलहमद तो ऐसे लोग बड़े खुशनसीब हैं जो अपनी औलाद चहेती औलाद और आँखों के तारे इस तरह की औलाद को जब वो फ़ौत हो जाते हैं उस पर सब्र कर जाते हैं सब्र का दामन नहीं हाथों से छोड़ते चाहे वो बाप हो चाहे माँ हो आज बहुत सारे मौाक़ ऐसे आते हैं आदमी जजा फजा करने लगता है चीखने चिल्लाने लगता है नहीं बल्कि इस्लाम ने जो तरीक़ा बताया है उसी तरीके पर अगर आदमी अमल करता रहे तो अल्लाह रबालमिन हर, हर मामले में खुशी में गमी में उसको अजर अजीम से नवाजता है तो अल्लाह के नबी वम ने दो नाबालिग बच्चों की वफात पर सब्र करने वालों के तल्ल से जन्नत की खुशखबरी सुनाई है हज़रत रजील्ला

एक औरत खड़ी हुई उसने कहा कि अल्लाह के रसूल क्या ये सिर्फ़ तीन बच्चों के लिए या दो के लिए भी है तो आपने इर्शाद और इतना ये दो के लिए भी है यानी दो बच्चे भी अगर इंतकाल कर गए और माँ बाप ने उस पर सब्र किया तौर तो पर माँ ने उस पर जजा फज़ा नहीं किया उस पर सब्र कर लिया तो अल्लाह रबी उसे भी जन्नत में दाखिल फ़रमाएगा ये औरत के लिए सबसे आसान तरीका जन्नत में दाखिल होने का है जो सही मुस्लिम की रवायत है अल्लाह के नबी वसम ने इस तरह की बशारत सुनाई तीसरी चीज़ जो औरतों से ख़ास मुत्ल है बीमारी पर सब्र करने वालियाँ कोई बीमारी हो गई कोई परेशानी हो गई किसी तरह की कोई उलझन आ गई और किसी तरह की कोई मुसीबत आ गई तो ऐसी मुसीबत पर ऐसी परेशानी पर ऐसी बीमारी पर सब्र करने वाली औरत को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तो अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत सुनाई है जन्नत का रास्ता बताया है इरशाद फरमाया हज़रत आता इबन रबा रहीम रावी हैं बयान करते हैं कि मुझसे हज़रत इबन अब्बास ये अता इबन रबाह हजरत इबन अब्बास के हवाले से बयान करते हैं कि उन्होंने एक मौके पर मुझसे कहा अला उरी का इमर तुम मनाली जन्न क्या मैं तुम्हें जन्नती औरत को ना दिखा दूँ तुम्हें मैं जन्नती औरत न बता दूँ कि जन्नती औरत कौन है तो मैंने कहा कुल तो भला मैंने कहा आता इब्ने रबाह कहते हैं कि मैंने कहा हाँ ज़रूर बताइए तो आपने इरशाद फरमाया कॉल हाद हिल मर असऊद ये काली कलोटी औरत जिसको तुम अपने सामने देख रहे हो यही एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई आत नबी सल्ला के वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई फ़कालत उसने कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे दौरा आ जाता है मुझे दौरा आ जाता है जिस तरह से आम तौर तो पर बीमारी होती है कभी बच्चों को यह दौरा आता है कभी औरतों को आता है तो उस औरत ने शिकायत की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आपके पास पहुँच करके कि इन्नी असरा अल्लाह के रसूल मुझे दौरा आ जाता है और दौरा ही सिर्फ नहीं आता बल्कि जब दौरा आता है तो मैं बरहना हो जाती हूँ मेरा कपड़ा इधर से उधर हो जाता मुझे खबर नहीं हो पाती कि मेरा कपड़ा कहाँ है मैं शर्मगाह की हिफाजत नहीं कर पाती मेरी शर्मगाह खुल जाती है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तो अलैहि वसल्लम से उसने दरख्वास्त किया ली तो अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी ये बीमारी ख़त्म कर दे तो आपने इरशाद फरमाया कला इन शि सबरती वाल के अलचन् अगर तुम चाहो तो सब्र कर जाओ तुम्हारे लिए जन्नत ये बीमारी जो तुम्हें अल्लाह ताला ने दी है इस बीमारी पर अगर सब्र कर लो तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए जन्नत अता फ़रमाएगा व इन शाउत और अगर तुम चाहो तो मैं अल्लाह किस से दुआ करता हूँ कि वो अल्लाह ताला तुम्हें इस बीमारी से नजात दे दे तुमको आफ़ियत दे दे तो उस औरत ने कहा उसका भी सब्र देखिए उसने ये कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे जन्नत चाहिए फ़कालत असबिर अल्लाह के रसूल मैं सब्र करूँगी लेकिन एक दरख्वास ये है इनियत कश्यफ मैं बरहना हो जाती हूँ या मेरा कपड़ा इधर से उधर मेरे जिस्म से हो जाता है अल्लाह तश्यफ अल्लाह के रसूल मेरे लिए ये दुआ कर दीजिए कि ये दौरा आए ठीक है लेकिन मैं अपने कपड़े को संभाल सकूँ बस सिर्फ़ आप इतनी दुआ कर दीजिए अल्लाह के नबी वसल्लम ने दुआ किया फ़द्ला आपने उसके लिए दुआ फरमाई ये सही बुखारी की रिवायत है जिससे ये पता चलता है कि अगर किसी औरत को कोई बीमारी लाइक हुई कोई परेशानी लाक हुई और उस परेशानी पर उस मुसीबत पर और उस बीमारी पर उसने सब्र से काम लिया तो अल्लाह रबालमीन उसके लिए जन्नत में घर बनाता है जन्नत का रास्ता उसके लिए दिखाता है इसलिए ये चंद बातें जो जन्नत में पहुंचने के लिए और बहुत सारे मसाइल हैं बहुत सारी चीज़ें हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौाक़ पर बहुत सारे रास्ते बताए हैं कि किन किन रास्तों को अख्तियार करके जन्नत में चला जा सकता है और जन्नत तक पहुँचा जा सकता है मैंने इक्तिसार सामने इन बातों को रखा है ये उम्मीद रखते हुए कि इन शह हमारी ज़िंदियाँ जो अल्लाह रबालमिन की खुशनुदी उसकी रजा के लिए गुजरती हैं और हमारी यह ख्वाहिश होती है कि हम अल्लाह रबालमिन की उस जन्नत को पालें तो कोशिश कीजिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद हिदायत जो बताई हैं जो रास्ते बताए हैं जन्नत तक पहुंचने के लिए उन रास्तों को अपनाएं अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए साथ ही साथ उन रास्तों पर चलने की भी हमें तौफीक बख्शे अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुजलिस में जितने लोग हैं सब के सब को जन्नत का रास्ता दिखा अल्लाह रब्बुल आलमीन उस रास्ते पर हमें चला जो जन्नत तक पहुँचाने वाला रास्ता है और साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए हमारी किस्मत में हमारे नसीबे में वही चीज़ लिख जिसके हम मुतमन्नी हैं अल्लाह हम सबको जन्नत में दाखिलता फरमा रबालमिन जन्नत में जन्नतफरदोसा फरमा हमारे लिए भी और हमारे अजीज व अकारी में जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह रबुआमिन सबको जन्नतफरदोस में जगहनात फरमा अल्लाह रबालमिन हमें से जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताली उनकी बीमारी को शफ़ा से बदल देबिन को शफ़ा आजिला अता आलमीन हम में से जो लोग कर्जदार हैं उनके कर्ज़ की अदायगी की सबील अता फ़रमा रबालमीन हमारे अजीज़ो अकारी में जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं अल्ला है रबालम के ऊपर अपनी राहमत नाजिल फरमा उनकी कब्रों को नूर से भर दे रबालमिन को जन्तुलफ़िरजोस में जगह फरमा रब्बानबालमिन ना इनकांत समूल आली मतूबालय नाकानत तवाबरहीम व आश्रदावन रबालमिन